उधम सिंह नगर उत्तराखंड में बंदरों के आतंक से किसान व आम जनता परेशान, आए दिन लोगों को काट रहे हैं। इस समय जंगलों में विशेषकर बंदरों के खाने के लिए कुछ नहीं है, जिसके कारण बंदर जंगल छोड़कर गांव में आतंक फैला रहे हैं। विशेषकर गदरपुर के ग्रामीण क्षेत्र उदयनगर गांव, जयनगर, चांदीपुर, श्रीरामपुर में बंदरों का आतंक फैला है। ग्रामीण एवं स्थानीय लोगों ने बताया कि बंदर खेतों में कोई भी साग सब्जी व फल के पौधों को नष्ट कर रहे हैं। अगर खेतों में वे घर के आसपास कोई भी साग सब्जी व जो भी फसल बोते हैं, तुरंत बंदर बहुत संख्या में आकर उखाड़ कर नष्ट कर रहे हैं। अगर रोकने जाएं तो काटने के लिए दौड़ते हैं। एक साथ 100-200 बंदर घूम रहे हैं। वहीं स्कूल जाने के लिए छोटे बच्चे डर रहे हैं। स्कूल के अध्यापकों का कहना है कि हम लोगों को भी बहुत डर लगता है। स्कूल की बाउंड्री के अंदर बंदर घुस जाते हैं। बंदरों को रोकने जाएं तो काटने के लिए एक साथ कई बंदर आ जाते हैं। कालनगर में नहीं, कालनगर गांव, कालनगर बाजार, उदयनगर गांव, ये सारे इलाके में इतने बंदर आ गए हैं कि इसमें घर के अंदर अगर खाना पका के रखते हैं तो उसका अंदर खाना उठा के ले जा रहे हैं। अगर महिलाएं, एक आध महिलाएं अगर उनको भगाने जाती हैं तो उनको काट लेते हैं। बहुत बुरा हाल है, बच्चे परेशान हो रहे हैं। मैं सरकार से ये निवेदन करता हूँ कि हमारे पास जंगल है, जंगल में अगर वन मंत्री जी 5-10 एकड़ में फल का पेड़ लगा दे और बंदर को गाँव से निकाल करके वहाँ भेज दे तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि बहुत दुखी हो गए हैं गांव वाले। संस्कार स्कूल, संस्कार स्कूल में अध्यापिका हूँ और ये विद्यालय संचालित है, तो यहाँ पर इतने बंदरों का आतंक है कि बच्चे जो है स्कूल आने में डरते हैं, और हम लोग भी जब जाते हैं तो हमारे पीछे, और स्कूल में बहुत नुकसान करा हुआ है। हमारे जो CCTV कैमराज खोल रखे हैं और स्कूल में बेंचेस वगैरह भी वो ख़राब कर देते हैं। तो यही वो, अगर जब छुट्टी होती है 2-3 दिन की, तब तो और ज़्यादा मतलब बंदरों का आतंक बढ़ जाता है। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।